राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वृद्धाश्रम में सादगी पूर्ण तरीके से मनाया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने समाज में वृद्धजनों की उपयोगिता पर बारी बारी से रोशनी डाली। अधिकारियों ने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक हैं, वह उस बरगद की तरह हैं जिसकी छांव में हम पले बड़े हैं, इसलिए समाज में वृद्धजनों का तिरस्कार करने की जगह उनका आदर सम्मान करना जरूरी है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने वृद्धजनों को लेकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वृद्धजन एवं कर्मचारी मौजूद रहे। एक अक्टूबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश में और मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल भी एक अक्टूबर को वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके पीछे कंसेप्ट भी यही है कि भारत में और भारत के बाहर कोई ना कोई डे किसी ना किसी के लिए फिक्स होता ही है, तो हमारे जो वृद्ध जन हैं उनके लिए भी कोई ना कोई एक दिन होना चाहिए। तो इस अवसर पर 1 अक्टूबर को ये दिन यहाँ निर्धारित किया गया है और विभाग के निर्देशानुसार सभी जो इस आश्रम में रहने वाले हैं, जो आश्रम के बाहर के हैं, जो प्रमुख वृद्धजन हैं, उनका सॉल श्रीफल पुष्पहार से स्वागत किया जाएगा। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि यहाँ उपस्थित सभी वृद्धजन स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और शतायु पूर्ण करें, ऐसी मेरी सभी से कामना है। और आप लोगों की जो अपेक्षाएं होंगी उसको यथासंभव हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, भारत की जो पिछली जनगणना है 2000 की, उसके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 7% वृद्ध लोग थे। वर्तमान में जो वृद्धजन की संख्या है वो 11.5% है। मन से दिल्ली के मन से जनसंख्या के हिसाब से तो करोड़ों की भीड़ में इंसान ढूंढ रहा हूँ, मंदिर में अल्लाह, मस्जिद में भगवान ढूंढ रहा हूँ, और आप जिसे ढूंढ रहे हैं महलों शीश महलों में, मैं गरीबों की बस्तियों में वही हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूँ, वही हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूँ।